साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई थी कुछ दिन पहले मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई, तो मैंने कुछ लोगों पे इस जानकारी का टेस्ट किया। रिजल्ट दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव आया, बहुत अच्छी जानकारी थी। 16 दिन में उनको इस प्रयोग को करने के बाद में रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तमाम प्रकार की तकलीफें दूर हो गईं, धन संबंधित परेशानियां दूर हो गई। काफ़ी ऐसी तकलीफें थी, जो परेशानियां जो लगी हुई थी, कार्यों में रुकावट आ रही थी, कर्ज की समस्या वगैरह वगैरह, तो ये उनकी समस्या धीरे धीरे हल होने लगी। जानकारी मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करूं, ताकि आप लोग भी अपनी तमाम प्रकार की तकलीफों से छुटकारा पा सके। दोस्तों काल भैरव जो होते हैं ये महादेव के अंश माने जाते हैं, और काल भैरव जिस पर प्रसन्न रहते हैं, तो नौ ग्रह में जो सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह माने गए हैं, जो सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, वो है राहु और केतु, साथ में शनि। तो दोस्तों ये आप प्रयोग करेंगे तो इससे आपके राहु केतु अनुकूल हो जाएंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में अनुकूल फल नहीं दे रहे हैं, और बर्थ चार्ट में अगर आपके राहु केतु शनि कमजोर हैं और नहीं भी हैं, तब भी इस प्रयोग को आप यदि करते हैं, मतलब कि आपको ये नहीं देखना है कि मेरे बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह मेरे को कौन सा क्या फल दे रहा है, बस कोई भी जातक इस प्रयोग को कर सकता है और तमाम प्रकार की तकलीफों से आप छुटकारा पा सकता है। दोस्तों मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि यदि आपको कहीं जाना है, किसी विशेष कार्य के लिए आपको जाना है, ठीक है, तो आपका वाहन क्या होता है? आपकी बाइक है, आपकी कार है, आपकी साइकिल है, एक्टिवा है ना? अगर वो सही है तो आप अपने किसी भी कार्य को टाइम पर पूरा कर सकते हैं। तो बस यही प्रयोग आपको करना है कि उनके वाहन को, यानी कि काल भैरव जो है, दोस्तों काल भैरव जो है महातांत्रिक माने गए हैं, तांत्रिक विज्ञान का उनको बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, मतलब महारत हासिल थी। तो इनको यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो आपके घर में तमाम प्रकार की नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र किया कराया, जादू टोना, नजर हाय बद्दुआ या ग्रहों का दोष, वास्तु दोष, सभी प्रकार के दोष मिट जाएंगे। और जब कोई दोष ही नहीं रहेगा तो सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आने लगेगी, घर में धन की बरकत होगी, ग्रह कलेश नहीं रहेगा, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो एक छोटा सा मैं प्रयोग आपको बता रहा हूं, यह प्रयोग करेंगे दोस्तों आप 16 डेज तक आपको कंटिन्यू करना है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मैं शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि मेरे तक ये जानकारी पहुंची, मैंने आप तक शेयर की ताकि आप लोग इसका लाभ प्राप्त करें। अब आप लोग जब इस जानकारी को प्राप्त करके इसका लाभ प्राप्त करेंगे तो उसका जो पुण्य मुझे मिलेगा, तो वैसे ही आप जब किसी को ये जानकारी शेयर करेंगे तो जब वो इस जानकारी को प्राप्त करके इस रेमेडी को करेगा तो उसका पुण्य आपको मिलेगा, उसका फल आपको मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शेयर करिए, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, अपने रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में, सब जगह शेयर करिए, ठीक है। तो दोस्तों करना क्या है आपको, अगर आपने घर में ही कुत्ता पाला हुआ है, कुत्ता जो होता है, डॉगी जो होता है, भैरवनाथ का वाहन माना गया है, ठीक है। अगर काले कुत्ते को खिला सकते हैं, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो बेस्ट है। और इसमें एक नियम है कि आपको देखिए दोस्तों, शनि राहु केतु का जो उदय होता है वो सूर्य अस्त के बाद होता है ना। तो अगर इस प्रयोग को यदि आप सूर्य अस्त के बाद करते हैं, सिर्फ 16 दिन आप करिए, रिजल्ट चमत्कारिक रूप से आएगा, ठीक है। तो 16 दिन आपको करना है, अगर सूर्य अस्त के बाद करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जो लोग सूर्यास्त के बाद यदि नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं इस प्रयोग को, सभी कर सकते हैं, महिलाएं भी, वृद्ध भी, पुरुष भी। शुद्धि की हालत में करना है इस प्रयोग को, इस चीज का विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर काला कुत्ता है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। आपके आसपास कोई कुत्ता वगैरह होगा तो आपको दही एक कटोरी या लस्सी, दही या लस्सी दोनों में से कोई भी चीज। प्रयोग को शुरू करना है आपको शुक्रवार के दिन से या शनिवार के दिन से। शुक्रवार से शुरू कर रहे हैं तो कंटिन्यू 16 डेज, शनिवार से शुरू कर रहे हैं तो कंटिन्यू 16 डेज आपको कुत्ते को दही या फिर लस्सी खिलानी है। दोस्तों
आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 16 डेज में ही रिजल्ट मिलेगा, इससे पहले ही आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा फर्क नजर आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो कंटिन्यू चालू रखिए इसको। जितना ज्यादा आप इसको प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा भैरवनाथ की कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगी। ना तो आपको शनि की कोई दशा परेशान करेगी, ना राहु की दशा परेशान करेगी, ना केतु की दशा परेशान करेगी। दोस्तों राहु केतु जो ग्रह होते हैं छाया ग्रह होते हैं, ये भ्रमित करते हैं, अचानक अचानक से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अचानक अचानक से परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। और जब राहु केतु जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अचानक अचानक से मालामाल कर देते हैं, सक्सेस देते हैं, ग्रोथ देते हैं जिंदगी में, अचानक अचानक से परिस्थितियां सुधार भी देते हैं। तो बस आपको छोटा सा प्रयोग करना है, कोई इसमें ज्यादा आपका खर्चा नहीं आना है। 10-15 रुपए 20 रुपए की आपको दही लेना है या फिर लस्सी लेनी है, 16 दिन तक कंटिन्यू खिलाइए, उसके बाद में देखिए रिजल्ट देखिए आप। और दोस्तों मूक पशु हैं ये, बोलना नहीं जानते, बिना झोली के फकीर कहलाते हैं। इनकी दुआएं जब लगती हैं, जो मूक जानवर होते हैं, मूक पशु, इनको यदि कुछ खिलाया जाए और इनकी दुआएं जब जिंदगी में आती हैं तो जिंदगी सवर जाती है, खुशियों से भर जाती है। दोस्तों ये बहुत ही गुप्त जानकारी है, आप इसको करेंगे, इस रेमेडी को करेंगे तो रिजल्ट आपको हाथों हाथ मिलेगा। तमाम प्रकार की आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी, शत्रु बाधा दूर हो जाएगी, कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी, घर में धन की बरकत नहीं है वो दूर हो जाएगी। अब कोई पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए भी मन में ये संकल्प करके कि अपने बच्चों के लिए इस कार्य के लिए मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं या कर रही हूं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। रिजल्ट दोस्तों चमत्कारिक रूप से आएगा, बस थोड़ा सा श्रद्धा विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ में इस प्रयोग को करिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जैसे कि दोस्तों लास्ट में वीडियो का मैं हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव अफर्मेशन देता हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा बोलें मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ है, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं। बस आप ये बोलना शुरू करिए कंटिन्यू, हर चीज के लिए आभार व्यक्त करिए, धन्यवाद करना शुरू करिए भगवान को। उसके बाद में देखिए दोस्तों कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लेसिंग्स आएंगी जिंदगी में, क्योंकि प्रकृति का सिर्फ एक नियम है, आप जो भी प्रकृति को देंगे, आप वो चाहे आप पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, प्रकृति वही आपको वापस दुगना तिगना चौगुना करके देती है। तो दोस्तों जब पता है कि प्रकृति को हम जो देंगे वही हमें वापस मिलना है, तो इससे हम पॉजिटिव चीजें देना प्रकृति को, हमेशा आभारी रहें जो कुछ भी हमारे पास में है। दोस्तों आप अपनी कंडीशन देखिए और औरों की कंडीशन देखिए, उससे तुलना करके अपने आप को सोचिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। काफी लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो चल नहीं सकते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन प्रकृति ने यह चीज वरदान आपको दिया है, शारीरिक रूप से आपको मजबूत किया है, तो इस चीज के लिए आभारी रहें। और जब आभार व्यक्त करेंगे तो और ब्लेसिंग्स आएंगी, जो चीज जिंदगी में पाना चाहते हैं वो सब चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन आप शिकायतें करेंगे कि मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है, भगवान मुझे तकलीफ दे रहे हैं, तो और तकलीफें आएंगी। अपने आपको कभी भी बदकिस्मत ना समझें, कभी ना कोसें, जिंदगी से प्यार करेंगे तो जिंदगी आपको प्यार देगी। सेल्फ लव करें और हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने आपको सौभाग्यशाली समझें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।